जब इंडेक्सेस 20% से नीचे हो या 2 महीने से मार्केट लगातार थोड़ा 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 करके नीचे गिरता जा रहा हो, तब उसे कहा जाता है। हेलो एंड नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहूजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं नए वीडियोस बनाता हूं 4th, 14th और 24th तारीख को, जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इक्विटीज़ के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं इसके बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके पैसों के साथ ही कनेक्टेड हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार एक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे पॉज कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं हर बार जब एक नया वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा सांड और भालुओं के बारे में। अगर आप सोच रहे मेरा दिमाग खराब हो गया, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इक्विटीज, फिनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में बुल्स और बेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, और उसी महत्व को आपको समझाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये महत्व इतना स्ट्रांग है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर लिटरली एक सांड का या एक बुल का स्टैचू बना हुआ है। वॉल स्ट्रीट, जो न्यूयॉर्क की दलाल स्ट्रीट है, जिस स्ट्रीट पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर भी एक बहुत बड़े बुल का स्टैचू बना हुआ है। तो क्या है ये महत्व और ये क्यों कनेक्टेड है फाइनेंशियल दुनिया से, उसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा। ये एक्चुअली बात करते हैं बुल्स और बेयर्स जो बात करते हैं वो है मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। अगर आप कहीं पे भी न्यूज चैनल पे देखते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि एक बुल मार्केट चालू है, तो जो न्यूज एंकर है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में 20% तक का मुनाफा हुआ है लोगों को, या जो मार्केट के इंडाइसेस हैं या इंडेक्स हैं वो 20% से चढ़े हुए हैं, या पिछले 2 महीने से मार्केट के इंडेक्स चढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट के इंडेक्स क्या होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, जहाँ पे मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा मेरे पिछले वीडियोज़ की, जिसमें मैंने आपके साथ बात किया था कि एक मार्केट इंडेक्स होता क्या है, ये सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली होता क्या है। उसी तरह जब बेयर मार्केट की बात होती है, तब बात होती है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। जब इंडेक्सेस 20% से नीचे हो या 2 महीने से मार्केट लगातार थोड़ा 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 करके नीचे गिरता जा रहा हो, तब उसे कहा जाता है बेयर मार्केट। बुल्स और बेयर्स को हम हिंदी में तेजी और मंदी की तरह भी जानते हैं। तो जब बुल मार्केट की बात हो रही है तो तेजी की बात चल रही है, और अगर बेयर मार्केट की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं कि लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए मंदी चालू है मार्केट में। अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये जिसने भी ये बुल्स और बेयर्स बनाया था, क्या उसका दिमाग खराब था, इसका लॉजिक क्या है, तो खैर मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसका क्लियर लॉजिक तो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है नहीं, लेकिन जो एक कॉमन थ्योरी है जो मानी जाती है वो ये है कि अगर एक सांड किसी को अटैक करता है तो अपने सींग से करता है, तो जिसको भी वो अटैक करेगा वो सीधा उछल के ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर किसी भालू के साथ आपका सामना हो जाए, और अगर एक भालू आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने पंजे को ऐसे आपको मारेगा, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मुझे पता है किसी तरह से लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने आपको ये पहले के वीडियोज़ में भी कहा है कि फिनेंस की दुनिया में बहुत जार्गन है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो अननेसेसरीली लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सुनाई देती है। उन सारे कॉम्प्लिकेशंस का हल आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे आपके सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट्स में सवाल पूछे, ताकि मैं आपको उनके जवाब दे सकूं आने वाले वीडियोस में। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।